जैसे ही 9 बजते हैं पीपल फार्म के सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन दो ऐसे शख्स हैं जो धूप में बैठते हैं, पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं अपना, सोते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, निठल्ले कहेंगे। कमा लो तुम भी कुछ, कर लो काम। ये देखो एक छोटा सा पपी हमारे पास कल आया था, राजीव जी इसको लेके आए हैं। इसको गाड़ी ने हिट किया जिस वजह से इसकी जो आंख है वो बाहर आ गई है। इसको एनेस्थीसिया दिया था ताकि इसकी दर्द रुक सके। इसकी जो माँ है वो भी गाड़ियों के पीछे दौड़ा करती थी और ये भी दौड़ रहे थे उस टाइम पे, शायद टक्कर लगी है। आज हम आई रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर इसको अडॉप्शन में कुछ। लास्ट वीक मैंने आपको गौरव भाई से मिलाया था, वो डॉग्स को ट्रेन कर रहे थे, शर्मिली वहाँ क्रॉल कर रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी और ट्रेनिंग क्लिप्स कवर करूं, और आपने बोला था यस। इस अपडेट में भी हमने कुछ ट्रेनिंग क्लिप्स डाली हैं डॉग्स की, और अगले अपडेट से हम कोशिश करेंगे कि हम हाउ टू ट्रेनिंग वीडियोज बना सकें जिसमें आप सीख सकें कि डॉग्स को ट्रेन कैसे करते हैं। शुक्रवार को हमने चूचू की चिकन शॉप विजिट का एक वीडियो डाला था, आपने से बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि क्या चूचू के व्यवहार में कोई बदलाव आया है। भाई अगले दिन उसने सुबह उठ के टाइम पे बांग दिए, नहीं तो चूचू तो भाई दोपहर में 3 बजे सो के उठते थे, तो उनका तो यही फंडा था जब जागो तभी सवेरा और तब वो बांग देते थे। अब दो और देनी है अपडेट्स, बताएं। हाँ, पर पहले मैं आपको बाकी के अपडेट्स दे देती हूँ। हमारे पास 6 पपीज आए थे, उनमें से 2 मेल्स थे तो वो तो दोनों अडॉप्ट पहले ही हो गए थे, लेकिन 4 फीमेल्स थी जो अभी तक अडॉप्ट नहीं हुई थी। रिंकी जी और आदित्य जी आए हैं धनोटू से हमारी एक बेबी को अडॉप्ट करने के लिए। हमारे पास जितने भी अडॉप्ट करने आए ना, तो सब जो मेल पपीज थे लड़के थे उनको ले गए, फीमेल को सब छोड़ गए थे, लेकिन आप एक फीमेल पपी अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे हम बच्चे अपनी बेटियाँ पालते हैं, बेटे पालते हैं, ये भी वैसे ही है। एक बच्चा जैसे आप केयर कर रहे हो, हम भी इसके मतलब ही चाहते हैं कि हमारे फैमिली में आई तो अच्छे बच्चे की तरह है। एक मैं अब मतलब कि माँ की तरह पालना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद ज्योति के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट है, नहीं तो ज्योति के चेहरे पे हमेशा थकान दिखती है, वो बेचारी परेशान होती है। वो लेडी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस टाइप के थॉट्स के साथ वो इसे लेके जा रही है, वैसे लोगों की हमें जरूरत है। तो ज्योति की खुशी का राज यही है कि हमारी बच्चियों को एक अच्छा घर मिल जाए। हम ऐसे बात कर रहे जैसे इंडियन पेरेंट्स बात करते हैं ना, वैसे हमारी 3 और बेटियाँ बची हैं, तो हम उनके लिए एक अच्छे से घर की तलाश में हैं। अगर आप उनको एक परिवार और एक घर दे सकते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। ये जो प्यारे लाल है ना यहाँ पे, ये दिखने में विशाल का है और डरावना है, लेकिन इतना क्यूट है, अपने नाम की तरह ही प्यारा है। ये यहाँ पे आया पेट करवाने के लिए कि मुझे पेट करो। गुड बॉय प्यारू। हमारी जो रीना दीदी है वो खूब जोरों शोरों से लगी हुई है आपके लिए जो दिवाली हैम्पर है वो तैयार करने है। तो रीना दीदी ना अपने हाथ से क्रोशिए से ये तोरण बना रही है, पर्पल कलर के तोरण है ये। ऑलरेडी हमारे पास ऑरेंज कलर का भी एक सेट है तोरण का, तो आप चाहें तो आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए ये तोरण ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पीछे जनरेटर की आवाज़ आ रही है तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। कल रात से धनोटू में लाइट नहीं है, बारिश वारिश कुछ नहीं हुई है, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे लाइट नहीं और हम सब का काम रुक गया है। सुनने में ये आया कि कर्ली इज़ बैक, तो कर्ली वैसे तो कनाडा में अडॉप्ट हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो फ्लाइट्स हैं कोविड की वजह से वो कैंसिल हो चुकी हैं, इसलिए कर्ली को वापस आना पड़ा। कुछ महीने तो वो इंडी लव करके एक फॉस्टर होम है डॉग्स के लिए, वहाँ पे वो फॉस्टर हो रही थी। मुझे आज सुबह ज्योति ने बताया कि वो आ गई और वो बिंद्रेश भैया के घर के पास है, तो मैं जाके उससे मिल के आती हूँ। हाय, और ये फुल ऑन एकदम हट्टी कट्टी मोटी हो गया है। मैंने इसके लिए अटैची में इसके लिए सोने के लिए मैं रात को रखी थी, मैंने जैसे इसको ठंड लग रही थी ना तो मैं सोच इसको सुला देती हूँ। यहाँ पे तो कर्ली के आने की फुल ऑन तैयारियां कर ली हैं पूजा दीदी ने, वेरी नाइस। करण जी तरबूज को फिर यहाँ पे लेके आए, इस बार तरबूज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसका लिवर डैमेज था, बहुत ज्यादा वेट उसका बढ़ा हुआ था, उसका जो भी ब्लड क्लॉटिंग हो रखा था लिवर डैमेज की वजह से वो उसने लिक कर करके इतना ज्यादा बड़ा कर लिया था कि वो उसका पैर देखने लायक भी नहीं रह गया था। उसको ऑइंटमेंट लगाने गए तो हमने देखा कि वो एक जगह पर बस बैठा हुआ था, हमें लगा कि वो सो रहा है, बट बिल्कुल भी हिलाने पे वो मूव नहीं हुआ, वो जा चुका था। अभी एक अंकल अपना डॉग लेके आए हैं, वो और उनकी मिसेज हैं, और आंटी की अब तबीयत खराब रहती है, वो डॉग रख नहीं सकते। हाय, पूंछ तो हिला रहा है। आप अंकल इतना तो बढ़िया डॉग है, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? मजबूरी जैसी को बैठता नहीं है, पूरा रात भर चलाता रहता है, खुला छोड़ दिया ना पिंजरा तो पूरा शरीर काटना शुरू कर देता। पिंजरे में रहता है? पिंजरे में खुला ना, बड़ा पिंजरा है। और इसके मुंह से हटाएं तो खुद को काटता है, काटना शुरू कर देता। अब हमें नहीं पता कि ये फिजियोलॉजिकल इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है, इसको लेके देखते हैं।
तो अंकल जैसे ठीक हो जाए तो आप वापस ले जाएंगे? दे देंगे तो ले जाऊंगा। नहीं, हम तो चाहेंगे ना कि जाए, हम तो इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो क्लिनिक हैं। विटामिन्स की कमी भी हो सकती है जिस वजह से भी डॉग्स ऐसे बिहेव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी, तो उस चीज के लिए सिरप्स वगैरह मल्टीविटामिन शुरू कर देंगे। आपको मैंने एक छोटी सी पपी के बारे में बताया था जो चंबी से हमारे पास आया था। इस बेचारे की जो आँख थी वो बाहर को निकली हुई थी। इसकी सर्जरी अच्छे से हो गई है, हील भी हो रहा है। 15 दिन में हम इसके सूचर जब निकालेंगे तो ये अडॉप्शन के लिए भी रेडी होगा। होपफुली तब तक इसको कोई इन्फेक्शन ना हो। बहुत हेल्दी पपी है। यहाँ पे फार्म पे लोगों को ठंड लगे ना लगे, मुझे तो बहुत लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं चूल्हे के पास जाके बैठ जाऊँ, थोड़ी सी चाय पीऊँ, पर यार क्या करूँ, आपको अपडेट देना भी ज़रूरी है ना। आज साहिल भैया की छुट्टी है इसलिए मैं साहिल भैया के घर तक पहुँच गई हूँ परेशान करने कैमरा लेके। साहिल भाई जो है वो हमारे रेस्क्यू हीरो हैं। जितने हमारे ज़बरदस्त रेस्क्यूज होते हैं उन सबको साहिल भाई अंजाम देते हैं। मैं तो मतलब एक साल से पीपल फार्म के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन साहिल भैया बहुत टाइम से जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी जिसे हम वीडियो बनाएंगे, अ डे इन द लाइफ ऑफ साहिल। कॉटन का प्लांट दिखाती हूँ जहाँ पे हमारी कॉटन ग्रो होती है। तो ये बड़ी मेहनत से हमारे कॉटन के बड्स लगे हैं। ये अभी तो बंद है, लेकिन हमने जब कॉटन निकली थी इसमें से तो हमने वो सारी निकाल के स्टोर कर ली थी, फिर उसको हमने साफ करके यहाँ पे लाया और यहाँ हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए इस भुक्कड़ को। ओह माय गॉड, शी इज लाइक मेरा, मेरे पत्ते मत खाओ बेटी। खाना खाते टाइम तो ये बस मारने को आती है बेटी। मेथी को सुयश जी ने देहरा से रेस्क्यू किया था। वो एक छोटी सी पपी थी, उसको डॉग बाइट हुई थी, तो हमारी टीम उसकी ट्रीटमेंट करती रही, लेकिन मेथी को भी हमने खो दिया। उसका रीज़न क्या था वो ज्योति बताएगी। उसका ब्लड काउंट बहुत कम है, प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा वीक थी डॉग। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया, आज जब हम आए दोपहर में वो नहीं बच पाए। आज रजौल से हमें करण जी का फोन आया था और उन्होंने हमें इस डॉग के बारे में बताया। इस डॉग को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। एक तो बेचारी के पेट के नीचे ट्यूमर है और दूसरा ये है कि उसके कान में हीमाटोमा है। अभी इसकी सर्जरी होगी यहाँ पे और उसके बाद इसकी स्पे होगी और उसी के बाद ये रिलीज होगी। जो ये हीमाटोमा क्या होता है? जब डॉग्स बहुत ज़्यादा अपने कान को स्क्रैच करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, जो वेन्स होती हैं छोटी छोटी वो कई बार रप्चर हो जाती है, और वेन्स के रप्चर होने से ब्लड अंदर कलेक्ट होने लगता है। थोड़े दिन में वो ब्लड पस में कन्वर्ट हो जाता है और वो पस की वजह से वहाँ पेन और स्वेलिंग दोनों हो जाती है बहुत ज़्यादा। नॉर्मली इसके लिए हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम उस वेन को ब्लॉक करते हैं जो रप्चर्ड है, और इसकी हीलिंग में भी लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पे दबंग है, ये वो पपी है जो अपनी पूंछ को देखकर उस पर भौंकता है, अटैक करता है, अपने पंजे को देख के गुस्सा होता है। इसकी टेल एम्प्यूट करने वाले हैं जिसकी वजह से वो जो गैंग्रीन है जो फैले नहीं, और इसके हम साथ ही में न्यूटर सर्जरी भी कर रहे हैं ताकि और जो भी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से ये गुस्सा ज़्यादा करता है वो भी ठीक हो जाए। डॉक्टर गुलशन, गैंग्रीन एग्जैक्टली क्या होता है? ब्लड सप्लाई जहाँ उसको मिलनी चाहिए बहुत वहाँ रुक जाती है, और वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे कि वो पार्ट सड़ने लग जाता है। मान लीजिए कि जो हमारी एक वेन है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है। गैस बबल्स, तो गैस गैंग्रीन, और फिर ट्यूमरस ग्रोथ हो सकती है। इस वजह से फिर डॉग को भी इरिटेशन होती है, खुजली भी होती है। इरिटेशन जी, और ये इरिटेशन ही एक रीज़न है जिस वजह से ये अपनी पूंछ के ऊपर गुस्सा हो रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है और बहुत बुरी तरह भौंक रहा था अपनी पूंछ के ऊपर। कुछ स्पेशल विजिटर्स आए हैं आज हमारे पास फार्म पे। ये सभी आए हैं जमानाबाद से हमारे लिए बुक्स डोनेट करने। रवीना बहुत खुश है। ये बुक्स हमें आनंदिता जी लेकर आई हैं। ये हम हमारे वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे जो अभी तक लाइव नहीं हुए हैं, बट वी आर गोना लिस्ट देम। ये सेकंड हैंड बुक्स है, ये हम 50% ऑफ में बेचेंगे। इससे जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे वो हमारे नए हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। मेरे को रॉबिन ने सुबह सुबह एक बात बताई जिस वजह से मेरी मॉर्निंग गुड हो गई है। बड़े भरे मन से मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब के जिन वीडियोज में शाइनी आती है ना वो ज्यादा चलते हैं। हो गया। ये जो मो है ये वैसे तो हमारी रेजिडेंट डॉग है, लेकिन जब इसका मन करता है ये तब पीपल फार्म आती है, जब इसका मन नहीं करता है ये चली जाती है। अपनी मर्जी की मालकिन है ये। आज हमारे साथ अर्पण जी हैं, उनकी पूरी टीम है, गौ सेवा परिवार की टीम है। एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने गौ सेवा परिवार के बारे में बताया था कि वो किस तरह से रामपुरा में छोटी सी उम्र से ही रेस्क्यूज कर रहे हैं। रवि रोबिन सर से भी काफी टाइम बात हुई, इन फ्यूचर अगर हम ऐसा अपना करना चाहिए प्रोजेक्ट तो क्या क्या हमें चीजें चाहिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, थोड़ा क्लियर हुआ। गौ सेवा परिवार हम सभी के लिए बहुत सुंदर सुंदर मग्स भी लेके आए हैं, उन्होंने उस पर पीपल फार्म का लोगो भी लगाया है। गौ सेवा
परिवार का लोगो भी लगाया, हम सबकी सारे मेंबर्स की एक एक फोटो भी लगाई है। हमारे फार्म पर शुभम आए हैं झारखंड से, और शुभम ने पहले भी हमारे साथ वॉलंटियर किया था, लेकिन अब शुभम हमें फुल टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एज अ क्रिएटिव हेड ज्वाइन कर रहा हूं। इशिता और हमारे रीटा दीदी और हमारी प्रगति मिलके कलर कर रही है अभी हमारे जो दिए सूख चुके हैं उन पे। ये जो कलर है ये कोई आम मामूली कलर नहीं है, फूड कलर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो चीज आप खा सकते हो वो बायोडिग्रेड भी हो जाएगी ना। बाय द वे, हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे बीबल फार्म में, हम सब कुछ सारी रेसिपीज एवरीथिंग हाउ टूज हम डालते हैं ताकि आप हमसे ना खरीदें, पहले आप खुद ट्राई करें। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं, आप जॉब में हैं, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप खुद नहीं बना पा रहे, तो आप हमसे ऑर्डर कीजिए। तो ये अदरक कितने समय तक तैयार हो जाता है? अदरक पूरा 8 to 9 months लेती है बड़े होने में। तो अभी हमने ये जैन फेब में लगाई थी और अब दिसंबर में जाके इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। इंतज़ार का फल कहते हैं मीठा होता है, अब अदरक मीठा तो नहीं होता पर सर्दियों में बहुत अच्छा काम आता है। यहाँ पे शिकारी शंभू और तंत्री की ट्रेनिंग चल रही है। हेलो तंत्री, और ये शिकारी है, ये देखिए, ये गौरव भाई के एक बार बोलने से सिट हो गए हैं। बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे इनको ऐसे देखने में, क्योंकि ये इस तरह से टिकते तो है नहीं किसी भी कीमत पे, और अभी ये बैठे हुए हैं ऐसे, क्या बात है। हमारे ये दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, जो ये पेपर है ये फार्म पे ही बना है विद ऑल द पेपर स्क्रैप्स जो हमने फार्म से इकट्ठे करे हैं, और जो इसके ऊपर ये डेकोरेशन है ये जो फैब्रिक स्क्रैप्स बच जाते हैं उससे की गई है। तो ये एक ऑर्डर है जिन्होंने हमसे 100 ग्रीटिंग कार्ड्स का ऑर्डर दिया है, थैंक्स टू दीक्षा। दो और देनी है अपडेट्स, बताएं। एक तो पेप्सी के जो अडॉप्टर थे वो दुबई जा रहे थे तो उन्होंने पेप्सी को वापस हमारे पास छोड़ा है। वो वापस ले आए हैं, दुर्भाग्य वाली बात है, अनफॉर्चुनेट है, पर फिर भी अच्छा है कि उन्होंने छोड़ नहीं दिया। तो अगर आप कहीं से अडॉप्ट करते हैं सोच समझ के करें, लंबी अडॉप्शन हो तो बेस्ट है, पर अगर बाय चांस चीज़ें बदल जाती हैं तो हमेशा उसको शेल्टर या रेस्क्यू वापस जरूर लें। एक और बात है, इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वीडियोस हमारी देख रहे होते हैं उसके नीचे कुछ एड्स आती हैं, स्पेशली मिल्क कंपनीज की एड आती है जैसे मदर डेयरी अलग अलग, मदर डेयरी की नहीं उसकी, आई थिंक कंट्री डिलाइट, कंट्री डिलाइट वालों की आती है, माधुरी दीक्षित वालों की, हां हां कंट्री डिलाइट की एड। तो ऐसे केस में फिर वो पूछ रहे कि क्या करना चाहिए। बात थोड़ी वियर्ड है कि भाई हमारे वीडियोस कहते हैं कि भाई जानवरों के साथ सही रहो, नीचे डेयरी वालों की, मीट वालों की, वो स्विगी वाले उनकी भी, उनकी भी एड आती है। हम कोशिश करेंगे कि हम डिसेबल करें, पर एक और इसका एंगल है कि जब आप इनकी एड्स पे क्लिक करते हैं ना तो फेसबुक गूगल वगैरह इनके पैसे काटते हैं और उसमें से वो कुछ पैसा हमें देते हैं, हम उसको जाहिर सी बात है अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं और अवेयरनेस वीडियोस बनाने के लिए। तो जब तक ये एड्स आ रही हैं उस पर आप 10-10, 20-20 बारी क्लिक करिए ताकि ये जो काम कर रहे हैं इनके हाथ से भी कुछ हमारे माध्यम से अच्छा काम हो। चलेगा? यस ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।